أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم الخاتم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات الله عليه وسلم. ایک مرتبہ پھر بلندر صلوات الله عليه وسلم. برادران عزیز، یہ قرآن حکیم ہے جس کے سورہ مبارک نصر کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے. قرآن حکیم رب اکبر کا آخری منشور ہے عالم بشریت کے نام. قرآن حکیم کتاب رحمت ہے، قرآن حکیم کتاب عدالت ہے، قرآن کریم کتاب شفا ہے. قرآن کریم جتنے بھی اوصاف قرآن مجید میں ہیں وہ تمام کے تمام اوصاف خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ کلام کلام مخلوق نہیں، کلام خالق ہے. اس ضمن میں ایک بڑے دقیق علمی نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا چلوں. قرآن حکیم کا سمجھنا آسان بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہے. اور مجھے تو یہ شعر میں بہت پڑھتا ہوں غالب کا، ملنا تیرا اگر نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یہ شعر ایسا ہے کہ جو عشق مجازی سے لے کے عشق حقیقی تک، حسب فہم ہر جگہ یہ شعر درست ثابت ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہ درست ہے. قرآن مجید کا سمجھنا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے. اگر صرف یہ ہوتا کہ قرآن مجید کا سمجھنا ناممکن ہے تو مسئلہ آسان ہو جاتا، کہ بس غلاف میں رکھ کے، جزدان میں رکھ کے اسے طاق پہ سجا دیجیے. چونکہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، مسئلہ حل ہو گیا. دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. اس کا سمجھنا دشوار نہیں ہے،
सच्चे जज्बे के साथ तिलावत किया जाए, पूरी तहारत ज़ाहिरी और तहारत बातिनी के साथ तिलावत किया जाए, और इसको उनके लहजे में सुना जाए जिनके लहजे में ये नाजिल हुआ है। मैं तकरीर कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, और बहुत सी बातें लफ्जों में नहीं होती, जुमलों में नहीं होती। जुमला जिस लहजे में अदा कर दिया जाए उस लहजे में बहुत सी मानवियतें होती हैं। अब बहरहाल कहना तो नहीं चाहिए, मगर इसी मकाम पर ये बात जबान पे आ गई, मेरी तकरीर अगर कोई लिख कर शाया कर दे तो बहुत सी बातें उस लिखी हुई तकरीर से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें बेजान अल्फाज होंगे, जिंदा लहजा नहीं होगा। मजबूरन में अर्ज कर रहा हूं कि मुझ पर बड़ा सितम ये हुआ है, हो रहा है कि मेरी तकरीरों के एक दो नहीं माशाल्लाह छः छः मजमूए बाज़ हज़रात ने छाप दिए हैं जिसकी मुझे कोई खबर नहीं है, मेरी इजाजत के बगैर वो छपे हैं, और जब मुझ तक वो नुस्खे लाए गए तो मैंने देखा उसमें आमदन तहरीफें भी की गई हैं, तब्दीली की गई है, जो कि बहरहाल एक बहुत बड़ी गलती है। इसे बेहतर है कि आप हजरात वो नुस्खे न खरीदें और उन मजमुओं को मेरी तरफ मंसूब न समझें, इसलिए कि बहरहाल वो अखलाकन भी इजाज़त नहीं ली गई है और उसमें आमदन तहरीफ भी की गई है। मसला इक्तसादी और माली नहीं, जो चीज़ हमने पढ़ दी वो आपकी प्रॉपर्टी है, ये न समझिएगा कि कोई रॉयल्टी का मसला है। ये फैज़ जारी है मेंबरे हुसैन का, पढ़ दिया तो पढ़ दिया। जाकिरी मेरे लिए सआदत है, तिजारत नहीं है। और काश ये बात, ये जज्बा आम हो जाए, आजादारी इबादत है, सआदत है, तिजारत नहीं है। देखिए कल भी ये जुमला कहा था और बराबर कहता हूँ कि दुनिया में सारा फितना और फसाद जो है वो कैपिटलिज्म और सरमाया परस्ती से पैदा हुआ है, और सरमाया परस्त ज़हन हर चीज़ को इंडस्ट्री बना देता है। उन लोगों से बचिए जो आज़ादारी को भी इंडस्ट्री बना रहे हैं, आज़ादारी को इंडस्ट्री ना बनने दें। इसका जो सोज है, जो गुदाज है, जो इसमें अलमनाकी है, गमनाकी है, ताज़ियत का पहलू है, तसलियत का पहलू है, आखिर हम अदादारी करते हैं रसूल और अहले बैत रसूल को कुर्सा देने के लिए। इसे आप इंडस्ट्री ना बनने दें, इसके तकद्दस को बाकी रखें। एक सलावत पढ़ें, दरमियान में आ गई। अर्ज तो मैं सिर्फ ये कर रहा था कि तकरीर लिख दी जाए तो उसमें मुर्दा अल्फाज होंगे, जिंदा लहजा नहीं होगा। बहुत सी बातें सिर्फ लहजा समझा देता है। मेरे एक अदब के उस्ताद थे प्रोफेसर